अरहतो नमो बुद्धाय मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में दर्शकों धम्मदीप में कल हमने बात की थी कि दैनिक जीवन में बौद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है और इसके अनुसार कैसे अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करें अब इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ छूटे हुए महत्वपूर्ण तत्व को आपके समय रखेंगे जो कि समय अभाव के कारण कर हम नहीं दिखा पाए थे तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम सीधे भंते जी के पास चलते हैं और बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाते हैं लेकिन आपने देखा होगा मनुष्य का मन चंचल है दूर दूर तक जाने वाला है कई सारी बातें उत्पन्न होते रहती है एक पूरी नहीं हुई दूसरी शुरू हो जाती है दूसरी पूरी नहीं हुई तो तीसरी शुरू हो जाती है यह मन में आई हुई कई बातें हैं ऐसे तथागत कहते हैं कि एक धर्म चित्त का अभ्यास जो कि एकाग्रता के लिए है उस एकाग्रता की प्राप्ति के लिए लगे रहो और जब ये चित्त की एकाग्रता आ जाएगी तो आपके सभी काम अच्छे हो जाएंगे इसलिए चित्त को चंचल मत बनाओ उसका कैरेक्टर उसका लक्षण तो है ही चंचलता लेकिन उस चंचलता पे संयम बरतना उसको नियंत्रित करना ये हमारा काम है और इसको हमें समझना और सोचने की कोशिश करना कि ये कितना हमारे लिए जरूरी है यह दूसरों के लिए जितना जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना दूसरों के लिए भी ज़रूरी है इसलिए तथागत कहते हैं काल तक अभ्यास करो हर दिन अभ्यास करो एक दिन नहीं है मंडे है इसलिए धम्मकाचरण और संडे है तो उसको भूल जाना कहते हैं कि मंडे से लेके संडे और संडे से लेके वह सटरडे तक पूरी तरह से धम्म के आचरण को करने के लिए हमें लगे रहना कई बार आपने महसूस किया होगा लोग बीमार पड़ते हैं तब तो उन्हें याद आता कि अभी हमें धम्म की तरफ जाना चाहिए किसी को कोई मुझे बचा तो ले तीन का का सहारा लेकिन उसके पहले उसके मन में कोई ख्याल नहीं आता इसलिए धम्म जो है बच्चों के लिए जवान के लिए बूढ़ों के लिए महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए किसान मजदूर के लिए सब के लिए है और वो जब समय खराब आ जाए तभी नहीं स्वस्थ रहते हुए भी स्वस्थता के बारे में विचार करना बीमार आदमी स्वस्थता के बारे में विचार करता ही है लेकिन स्वस्थ रहते ही स्वस्थता के बारे में विचार करना तो उसका लाभ जो है वो हमें ऑटोमेटिकली होते रहता है अंदर से ही वो मजबूती आते रहती है उसका फ़ायदा हमें मिलते रहता है इसलिए यह दैनिक जीवन को हम एक अच्छा जीवन बनाए दिन तो वो सब एक ही है जैसे होते हैं कोई दिन इधर उधर नहीं है सभी दिन, सभी दिन आपको समय बराबर दिखाई देंगे लेकिन उसमें एक चीज़ है वो हम जो करते हैं उतने समय में उसका फल हमारे जीवन काल में आता है और वो फल हमारी कही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता करने में लग जाता है इसलिए प्रसन्न होकर खुश रहकर अपने मन को हर्षित रख कर के अपने काम को करने की पूरी तरह से कोशिश में लग जाए और जब हम उस कोशिश में लगते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो किस तरह से किस ढंग से हमारे अपने जीवन को बदलते हुए रखा गया है और वो भाव अपने जीवन काल में हमने लाया है और वो धम्म के अभ्यास से लाया है धम्म एक दिन अभ्यास करने के लिए नहीं वो सतत गति के साथ अभ्यास करने के लिए है एक दिन भी जितना है उतना भी वो हर दिन है इसलिए हर दिन मेरे लिए एक नया जीवन है हर दिन मेरे लिए एक नया काम है हर दिन मेरे लिए एक वास्तविक और सच्चा दृष्टिकोण है जिसके आधार पर मैं जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ और इसलिए वैसे के वैसे दिन नहीं हर एक दिन हमारे लिए नया होना ये हमें लगना के नया है तभी मनुष्य सही मायने में अपने जीवन को जी सकता है इसलिए उन्होंने क्रोध को ईर्षा को मुँह को तृष्णाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की है और इसको हम अपने जीवन काल में ठीक तरह से आचरण करते पर जोर देते रहें तभी मनुष्य श्रेष्ठ है तथागत कुछ बातें श्रेष्ठता की बताते हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग तो होते हैं चार लोगों के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वर्णन करके बताया तथागत तो गौतम बुद्ध से कुछ पूछने भी आए लोग कि बताओ कि अच्छे आदमी अच्छा आदमी कौन होता है तब तथागत गौतम बुद्ध उन्हें बताते हैं कि पहला आदमी जो अपना भी कल्याण नहीं करता दूसरों का भी कल्याण नहीं करता दूसरा आदमी जो अपना कल्याण नहीं करता लेकिन दूसरों का कल्याण करता है तीसरा आदमी जो अपना कल्याण करता है लेकिन दूसरों का नहीं करता चौथा आदमी जो अपना स्वयं का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है तथागत कहते हैं यही श्रेष्ठ आदमी है जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करता है और यही चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते रहती है इसलिए हर दिन धम्म की एक जरूरत महसूस होती है और हर दिन ज्ञान बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि एक तो धम्म का अभ्यास परित्र दिशा का आयोजन अपने घरों में भिक्खों को आमंत्रित करके उनसे संस्कार सीखना उनसे ज्ञान अर्जित करना ये अत्यंत जरूरी है दैनिक जीवन में खास करके बौद्ध धर्म की आवश्यकता के तौर पर जब हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कुछ मूलभूत बातें हमें करना ज़रूरी होता है एक तो हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना मूर्ति स्थापित करने के लिए जगह तैयार करना उसको भी अच्छी तरह से सजाना उसको भी अच्छी तरह से स्थल को आकर्षित बनाना और तब मोमबत्ती लगा करके अगरबत्ती लगा करके तब भिक्संघ के माध्यम से परित दिशना सुनना जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद में जो हमने वचन सुने हैं वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से फील करता है हमें क्योंकि जब अच्छी बातें कानों पर पड़ती हैं तो अंदर से वो सकारात्मक भाव उत्पन्न होते रहता है लेकिन जब कोई बातें उत्पन्न नहीं हुई है कुछ सुनने नहीं मिला है तो कैसे अच्छे भाव पैदा होंगे इसलिए उन्होंने कहा कि पलित देशना जो कि हमारे सुनने के लिए बड़ी अच्छी अच्छा लगता है तो वह हमें बार 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 उस पर करने पर जोर देते रहना इसलिए कुछ प्रमुख धम्म के विचार जो हमें करना पड़ता है क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में ये सब बातें देखने के लिए मिलेगी इसलिए उन्होंने कहा चाहे गर्भ यानी गर्भ में जब अच्छा हो तब उस संस्कार को करो जब मनुष्य जन्म ले ले तो नामकरण को करो जब थोड़ा बच्चा हो जाए तो स्कूल भेजने के लिए या तो प्रवज्जागरण करो या फिर स्कूल में जाओ वो भी एक संस्कार है जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी शादी का दो भी एक संस्कार है मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का भी संस्कार है ये सब में किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं पाखंड नहीं है नहीं। वो कहते कि पूरी तरह से रेशनल माइंड वैज्ञानिक थिंकिंग और वास्तविक विचारों को हमें आत्मसात करते हुए उसको पालन करना हर दिन के लिए एक दिन के लिए नहीं और जितना हम उसको पालन करते चले जाते हैं उस पालन करने की वजह से वो हमारे दैनिक जीवन में वो सभी बातें देखने के लिए मिलते रहती है इसलिए हर दिन के लिए ये जरूरी है कुछ शपथ हमें लेना चाहिए कि मैं हर दिन खुश रहूँगा मैं बुद्धिमान बनूँगा मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा मैं सबके प्रगति के लिए मित्री भावना का अभ्यास करूँगा करुणा का अभ्यास करूँगा और मैं सभी बुरे विचारों से बचते रहूँगा जब हम हर दिन ये सोचते हैं मैं बुरे विचारों से बचते रहूँगा इसका मतलब है अच्छे विचारों का लाने के लिए मैं प्रयास करूँगा क्योंकि अच्छे विचार मुझे अच्छा बनाएगा मनुष्य के विचार ही उसको महान बनाते हैं मनुष्य के विचार ही उसकी प्रतिभा को आगे निखारते हैं और उसकी प्रतिभा हर दिन कहीं ना कहीं वो निखरते चले जाती है लेकिन कोई दूसरा नहीं निखारेगा हम ही अपने चरित्र का निर्माण करते हैं हम ही अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करके हम उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ पर एकाएक से जाना बहुत मुश्किल है सद्धम का अंगीकार करने से सन मार्ग की तरफ़ में बढ़ता है इसलिए धम्म हमेशा सिखाता है आगे बढ़ो मैत्री रखो प्रज्ञा रखो करुणा रखो प्रेम रखो दया रखो अच्छी भावना बनाते रहो तो यह शिक्षा जो हमें मिलती है वह कही कहीं ना कहीं तथागत गौतम बुद्ध के उन सभी वचनों से उनके दिशा से हमें प्राप्त होते रहते इसलिए यह स्वाभाविक तौर पर हर दिन के लिए दैनिक जीवन के लिए धर्म हर दिन के लिए एक दिन पालन करके छोड़ नहीं देना प्राप्ति एक दिन जैसे होगी लेकिन जब आप बार 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 करेंगे तो उतने दिनों की प्राप्ति हो सकती है और इसलिए यह सच्चा धर्म दैनिक जीवन में यह जो हथियारे थे डाकू थे और अलग अलग प्रकार के लोग थे उनको भी सहायता जब मिली तो उन्होंने इसका आचरण किया और ये आचरण करके वह बेहद अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने में लग जाते हैं और लगने की वजह से वह किस रूप में हमें वास्तविक रूप से देखने के लिए मिलते रहता है तो यह कोई आ, सरल विषय नहीं है यह अपनाने के लिए प्रयोग करने के लिए आत्मसात करने के लिए ये धम्म कहा गया इसलिए नतावता धरो यावता बहुभाषती वो कहते हैं कि ऐसा वैसा धम्मधर नहीं होता है ज़्यादा बोलने से भी धम्मधर नहीं होता जो धम्म को जान करके आचयन करता है वही धम्मधर है सिर्फ बोलता है लेकिन करता नहीं जो बोलता है वैसा करता है सिर्फ धम्मधर है जो जैसा बोलता है वैसा करेगा तो वह तथागत है और ये तथागत के वचन हर दिन के जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इसकी मदद मिलती है अपने घरों के बालक हो उन्होंने बड़ों की सेवा करना आदर करना अध्ययन करना पढ़ाई करना ज्ञान अर्जित करना जितना वो कर सकते हैं और वो जितना विनम्र बनेंगे उतना हमें ज़्यादा अच्छा है एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए समाज को खुशहाल बनाने के लिए परिवार की तरक्की कराने के लिए ये कहीं ना कहीं जो सील हैं विनय हैं जो हमारी अपनी खुद की सहायता करने पर जोर देते रहता है जितना बार बार करे किया जाएगा उतना ही इसका लाभ भी प्राप्त होते रहता है इसलिए तथागत ने सबसे पहले पांच लोगों को दीक्षा दी थी दक्षिणा दी थी और पांच से न जाने कितने लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हुए तो उन्होंने दूसरों को तैयार किया और जब दूसरे तैयार हो गए उन्होंने दूसरों को तैयार किया तो ऐसी श्रृंखला चलती गई और श्रृंखला चलती गई और लोग बदलते गए लोग जुड़ते गए और ये पूरी तरह से संघ तैयार हो गया और उस संघ को जो तथागत तो गौतम बुद्ध ने बताया वह है एक श्रावसन संघ जो सिर्फ खुशी बांटता है जो सिर्फ आनंद की बातें बताता है जो हमेशा विकास की बातें बताते रहता है तो ये कोई साधारण नहीं है जो धर्म दिया गया बताया गया और उस आधार पे अपने जीवन को बेहतर बनाए तो यह हमें अपने जीवन काल में जिस साधन के साथ जिस सुविधा के साथ जिस शिक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है तो वह बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए जीवन में बाद में हमें लगा कि ये करना होना चाहिए था तो इसलिए तथागत कहते कि हर दिन के लिए जब चित्त में अच्छी बातें उत्पन्न तत्काल कर दो इंत, इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम ये सोचेंगे तो हमें ये बात दिखाई देना शुरू हो जाता है इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने अच्छे दोस्त भी बनाओ अच्छे बुरे की पहचान कर लो और जब आपको पहचान हो जाए तो तभी आगे बढ़ना यदि नहीं पहचान हुए तो जहाँ हैं वहीं रुके रहना इसलिए कहते हैं कि दोस्त वो हैं जो हमेशा सहायता करें दुख हो या सुख हो तभी मदद करे सहानुभूति बरते अच्छे मार्ग को दिखाए गलत रास्ते से मुक्ति दिलाए वह सही मायने में हमारे लिए सच्चा दोस्त है लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आप दैनिक जीवन में देखिएगा कि आप खुद जानिए कि हमें ऐसे दोस्त बनाना है नहीं बनाना है मित्र रखने हैं या नहीं रखने हैं लेकिन हम कम से कम उस अभ्यास को तो पुख्त करें मजबूत करें उसे आगे बढ़ाएं और ये बढ़ाया जा सकता है इसलिए हर दिन ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें कष्ट करना मेहनत करना और ऊंचा से ऊंचा ज्ञान हासिल करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए कंजूसी दिखाई गई तो आप जान पाएंगे कि किस किस तरह से हानियां संसार में होते रहती है और वो कितने सारे कष्ट पहुंचाते हैं लोग मानते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकिन तथागत ने उन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया वे कहते हैं कि आप सब लोगों को अपने जीवन के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए उसी में आपको खुशी ढूंढनी चाहिए जहां लोग खुशी ढूंढते हैं पत्थरों में नदियों में तालाबों में झील झरनों में पर्वत पे तथागत कहते नहीं भीतर है भीतर की खुशी जब बाहर प्रकट हो जाएगी तो आनंद उत्पन्न होगा इसलिए बाहर खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं या खुशी अंदर है और उस अंदर को हम जब सही मायने में ठीक कर देते हैं तो उससे वास्तविक रूप से वो चीज़ें हमें प्राप्त होती रहती है इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया इसलिए धम्म एक बड़ा व्यापक है धम्म की संस्कृति बड़ी व्यापक है और ये व्यापकता में ही मनुष्य को जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना कितना सरल बनते चले जाता है जटिल से सरल बन जाता है और सरल सरल से अति सरल बन जाता है और वो अति सरल से मनुष्य जो भी मनुष्य इसको समझता है आचरण करता है वो भी उसी तरह से बन जाता है इसलिए धम्म का अंगीकार ये बेहतर मार्ग है आपने देखा होगा <coughs> बहुत सारे जो लोग हैं कैंसर टीवी और एड्स और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो समाज में फैली हुई देखने के लिए मिलती रहती है रोज आए दिन असंख्य लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आपने देखा होगा इसका कारण क्या है तो आपने देखा होगा इनका कारण है इसका पर्यावरण साफ में हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं उसकी वजह से नमा होता है बहुत सारे लोग सिगरेट बीड़ी तम्बाकू अफीम गाजा चरस ड्रग्स इत्यादि चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो क्या वे आदमी के जीवन में ये बीमारी नहीं फैलेगी या बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं फैलेगी तो देखा गया कि ज़रूर फैलेगी क्या उपाय है इसका तो तथागत कहते हैं एक ही कसोटी है मेरे पास कि उस तरह का सेवन मत करिए जो हमें हमारी इंद्रियों को हमारे शारीरिक क्षमताओं को उत्तेजित करके उसे नष्ट कर देता है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इस तरह का एक अभ्यास जो कि मनुष्य के जीवन काल में एक बड़ी गहराई से देखने के लिए मिलते रहता है इसलिए धम्म ही है जो आपको एक मार्गदर्शन देगा विचार देगा और आप वैसे करने से बच सकते इसलिए लाखों करोड़ों की जान बचाई जा सकती है लोग आपने देखा होगा आए दिन एकाग्रता के अभाव के कारण टेंशन की वजह से अपघात होते हुए दिखाई देता है सड़कों पर नाना जगहों में और ये अपघात ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है इसलिए उन्होंने कहा नहीं अपघात करने की कोई ज़रूरत नहीं जो जीवन मिला है उसे जीते रहिए लेकिन रास्ता बदल दीजिए जब आप रास्ता बदलेंगे जहाँ कठिनाई हो रही थी उस रास्ते को बदलेंगे तो सरलता आ जाएगी और जब सरलता आएगी तो आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से गुजरेंगे नहीं यह गारंटी यह पहल कोई और नहीं कराता है गारंटी ये पहल हम स्वयं के अंदर से जीवन में लाते रहते हैं और इसलिए तथागत ने कहा कि कर्म को अपने संस्थान मानो वही हमारे जीवन के लिए एक आदर्श है और कोई चीज़ें आदर्श नहीं और अपनी पवित्रता को बनाए रखने पर जोर देते रहो जब पवित्रता बनी रहेगी तो आपके माध्यम से काफ़ी कुछ अच्छे कार्य संपन्न होते रहेंगे अच्छे कार्य पर बल मिलते रहेगा अच्छी चीज़ों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं इस तरह से बताते हुए उन्होंने पूरी तरह से समझाने पर जोर दिया बल दिया और अलग अलग तरह के उन्होंने लोगों को जीवन जीने के लिए एक ही शिक्षाओं से लाभान्वित करते हुए कहा कि ये बात मानिए जब ये मानेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आएगा इसलिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि दैनिक जीवन में उठते बराबर अपनी नई सोच को आधार दो सबके प्रति अच्छी भावना रखो सूर्य की किरणें जैसे ही सभी जगह पड़ जाती है जब वो पेड़ पे पौधों पे जब पड़ती है तो खिल जाते हैं उसके अंदर में एक ताकत आ जाती है उसी तरह से धम्म एक ताकत का नाम है जो भी आदमी इसको ग्रहण करता है उसके संपर्क में आता है तो उसके अंदर में एक नई चेतना जागती है और वो नई चेतना उस कार्य के लिए उस सुधार के लिए उस परिवर्तन के लिए पूरी तरह से मदद करते रहती है इसलिए तथागत ने इसी बातों पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की बताया चाहे वो लड़का हो लड़की हो पति हो पत्नी हो भाई हो बहन हो सास हो ससुर हो माता पिता हो कोई भी घर के सदस्य हो सभी यह एक प्रकृति की संतान है माता पिता की तो है ही जन्म देने वाले हैं लेकिन इस प्रकृति के भी वो संतान है क्योंकि प्रकृति भी उन्हें कुछ देती है वो बिना प्रकृति के कुछ रह नहीं सकते हैं और जब ये प्रकृति यहाँ होगी सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी तो पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि मानवीय रूप से मनुष्य के जीवन में किस तरह के एक बड़ा बदलाव किस तरह से एक सुधार और वो पूरी तरह से अपने आप को किस तरह से बना रहा है इसलिए प्रसन्नता आनंद का भाव उठने दीजिए आनंद लेते रहिए और जब ये प्रसन्नता बनी रहेगी तो कई चीज़ों को आप छुटकारा दिला सकते हैं एक तो टेंशन दूर हो जाता है जो हर दिन बना रहता है क्योंकि टेंशन तो ये सबसे बड़ी समस्या है ये कोई साधारण समस्या नहीं जिसकी वजह से न जाने कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है यह एक सबसे बड़ी चीज़ें दूर हो जाती है और वो मनुष्य के जीवन काल में जब वो धम्म आता है तो धीरे धीरे हम इसको समाप्त कर देते हैं टेंशन मुक्त जीवन ये सबसे बेहतर जीवन और ये बेहतर जीवन को हम बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम ये चीज़ें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है और जब हम इसको ग्रहण करते रहते हैं तो खुशी आनंद का जो भाव है वो अंदर से भीतर से आता है जिस तरह से संसार में सभी चीज़ें खिलते हुए दिखाई देती है वैसा मनुष्य तरोताज़ा होता है अपने लिए नहीं क्योंकि वो प्रकृति ने उसे इस तरह से रूप दे दिया इसलिए वैसा बना रहता है और उस रूप को उस पद्धति को हम इस तरह से अपना करके हम श्रेष्ठ जीवन को जी सकते हैं तथागत तो ने बताया दैनिक जीवन में क्या करें भलाई का काम का करें बुराई का नहीं मेरे से जितनी भलाई हो सकती उतना काम करना तो कहते हैं कि दान देना चाहिए दान देने से वह खुशी मिलती है अच्छी चीजें मिलती है खुले हाथ देकर कंजूस के रूप में नहीं मन को दुखी बनाकर नहीं मैं अपने जीवन में अपने मन से प्रसन्नता से अच्छे भाव से दान करता हूँ तो उसका फल भी मुझे प्राप्त होता है इसलिए हर दिन कभी न कभी हमें सहायता करना दूसरों की यह हमारे लिए पुण्य अर्जित करने के लिए होता है और धम्म का उद्देश्य ही है हर दिन मनुष्य के जीवन काल में वह सुख को बढ़ाना अच्छी वृद्धि करना पुण्य को बढ़ाना ये धम्म का उद्देश्य है तब वो आदमी जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे वह सुगति के रास्ते पर पहुंचता है निर्वाण के नज़दीक हो जाता है तो कोई आदमी सगदागामी अनागा अनागामी कुछ श्रोतागामी और अरहत बन जाते हैं ये चार लोकोत्तर अवस्थाएँ प्राप्त हो जाती है जीवन काल में और श्रीय तथा वे अपने पूरी तरह से अपने धर्म को हर दिन जीवन को जीने के लिए बराबर प्रेरित किया वो क्या कहते हैं कि चार आर्य सत्य को ठीक तरह से जानो दुख के मूल स्रोतों को जानो तो कहते हैं कि दुख किन कारणों से तो जन्म लेना दुख है बीमारी दुख है बुढ़ापा दुख है मृत्यु दुख है और अप्रिय अप लोगों का मिल जाना दुख है प्रिय लोगों का बिछड़ जाना दुख है और यह मनुष्य के जीवन में जो इच्छा रखते हैं वो चीज़ें ना प्राप्त दुख है तथाकत तो ने कहा कि ठीक है ये कोई बात नहीं लेकिन इसको आप मिटा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जीवन को तो समझो जीवन के रहस्य को समझो जीवन की सच्चाई को समझो जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में न गवाओ जो आदमी व्यर्थ में जीवन को गवा देता है वो व्यर्थ बन जाता है जो मनुष्य जीवन को मानता है कि अच्छा है कीमती है तो उसका लाइफ कीमती बन जाता है और वो जीवन पूरी तरह से जब वो बेहतर होता है अच्छा होता है तो उसके मुताबिक वह आचरण करने के मुताबिक उस तरह से व्यवहार करने के मुताबिक जब आप देखेंगे तो आपको उसके जीवन में एक बेहतर प्रभाव देखने के लिए मिलते रहता है इसलिए वह हर दिन के लिए अपने जीवन को ऊश्वर आकर्षित करते रहे बनाएं ढालें उस साचे में और समझें कि इस तरह का मेरा जीवन है और मैं से जीने पर जोर देते रहूँगा और जब मनुष्य के अंदर में भाव पैदा होता है नहीं मैं तो सब कई भौतिक पदार्थों से मिलकर बनाओ मेरा अकेले से जीवन नहीं है यह कई शक्तियाँ इसमें जुड़ी हुई है जिसके कारण जीवन मिला हुआ है तो उन्होंने कहा कि दया के भाव को बढ़ाओ हर दिन दया करो एक दिन करने की जरूरत नहीं है हर दिन भाव उत्पन्न होना चाहिए करुणा का भाव भी हर दिन उत्पन्न होना चाहिए मैत्री का भाव भी हर दिन उत्पन्न होना चाहिए जब जब भी हम इसको बढ़ाते हैं तब तब हम अंदर से हमारे अंदर की भाव की शक्ति जागती है उसके परिणाम तो बड़े सकारात्मक होते हैं आयु बढ़ने से बल बढ़ने से सुख बढ़ने से वर्ण बढ़ने से चारों तरफ से लाभ ही लाभ क्योंकि मनुष्य वैसा करते चला जाता है और इसीलिए उन्होंने धर्म के रास्तों पर बल देने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया करते रहिए पालन और जब पालन करते करते जब जीवन गुजरता है तो हमें वो सकारात्मक दृष्टि के आधार पर जीवन को जिए जी, जीने की वजह से सुगति के तरफ में बढ़ने वाला जो भाव है वो हमें प्राप्त होते रहता है कोई अलग से प्राप्त नहीं होता कोई आसमान से नहीं आता है अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने से होता है और जागते हैं जब हम इस चीजों को समझते हैं तो यह एक ऐसी विचार शक्ति जो हमें हर दिन ज्ञान और चिंतन को बढ़ाने में मदद करती है ज्ञान जो सभी जगह पूजा जाता है और चिंतन जो अंदर की ताकत को बढ़ाता है सभी सच्चाई से मनुष्य को जोड़ता है और गलत बातों को पूरी तरह से त्यागने पर हमें प्रेरित करते रहता है तो यह है एक भाव जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बनाया गया और वह दैनिक जीवन में यही सच्चाई है जीने के लिए इसलिए जब भी कोई हमारे संत आ जाए कोई ऐसे महापुरुषों की जयंती आ जाए उनके विचारों को याद करते हुए हर दिन हमें स्मरण करना इसलिए मैं हमसे हमेशा बताता हूँ कि जीवन के कोई ऐसे पहलू जो हमारे सुखद बन गए थे जीवन के पहलू ऐसे जो आनंद उत्पन्न करके गए थे उन पहलुओं को याद करो मैं ऐसा था इस कारण से मुझे ये खुशी प्राप्त हुई है तो उस खुशी की वजह से आनंद की वजह से आप जान पाएंगे कि स्मरण से उस भाव को जाग यानी जग जाता है और वो भाव जगने की वजह से फिर से हमारी एनर्जी उसके साथ जुड़ जाती है और ये एनर्जी एक इतनी पावरफुल एनर्जी हमारे दैनिक जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए बार 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 प्रेरित करते रहती है अच्छाई की तरफ लेकर जाती रहती है और इसलिए तथागत ने इस धम्म को मध्यम मार्ग कहा कि मेरी शिक्षा मध्यम मार्ग की शिक्षा है हर दिन अपनाओ तो क्या अपनाना है सम्यक दृष्टि रखो सम्यक संकल्प रखो सम्यक वाणी बोलो सम्यक कर्म बनाओ सम्यक आजीविका बनाओ सम्यक व्यायाम रखो और सम्यक स्मृर्ति रखो और सम्यक समाधि रखो ये धम्म कि जो आठ बातें जो भी मनुष्य इसको अंगीकार करता है जो मध्यम मार्ग है इस मध्यम मार्ग की शिक्षा उस आदमी के लिए एक बेहतर शिक्षा बन जाती है और इसलिए वो आदमी कभी टूटता नहीं है जूटता है मजबूती के साथ बढ़ता है और वह तेज़ी के साथ में अपने जीवन को सुंदर बना लेता है अच्छी सुंदरता अच्छे भाव के कारण उत्पन्न होती है वह लोग अधिकतर बाहरी सुंदरता पर बात करते हैं तथागत कहते नहीं बाहर इतना सुंदर है अंदर भी उतना ही हो अंदर से सुंदर है तो बाहर भी उसका जगह सुंदर हो सकता है इसलिए अष्टांगिक मार्ग जो कि एक सम्यक मार्ग उन्होंने बताया और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया तथागत कहते हैं कि इससे बड़ा कैसे सुख्र हो सकता है ये तो बहुत ही श्रेष्ठ बातें हैं और जब वो श्रेष्ठ बातें जानता है समझता है और उसके कारण फिर वो आचरण करता है तो उसके जीवन में मध्यम मार्ग रहता है धम्म आता है और इसलिए दैनिक जीवन में धम्म की बहुत आवश्यकता है सभी समस्या को दूर करने के लिए धम्म हमारी पूरी तरह से सहायता करता है इसलिए आज हम लोगों ने दैनिक जीवन में धर्म की आवश्यकता के ऊपर में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है आप सब लोगों ने सुना सब है सबके प्रति सारी मंगल कामनाएं आप सुखी हो दीर्घायु हो स्वस्थ रहें ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगल भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो जो जिज्ञासाएं हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी आई डी पर भी आप भेज सकते हैं तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे तब तक मैं आर पी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे नमो बुधाए नमो अरहतो